तनु लेकिन इसे भइल कैसे? तू तो अपन इतना ख्याल रखेलू, फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट तेरे साथ कैसे भइल? हमके ना बात करे के बा ओ बारे में, हमके कुछ बात ना करे के बा, हमके वासा याद ना करे के बा। बेटा हमनी तो के तकलीफ ना देवे चाहता निया, सिर्फ ये जाने चाहता नी कि डॉक्टर तेरे बच्चा के काहे ना बचा सके। 8 महीना के बच्चा तब बचावल जा सकेला ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहल बानी, लेकिन डॉक्टर कहले कि एक्सीडेंट ही कुछ ऐसा भइल रहे कि माँ और बच्चा के बीच में से केहू एक के बचा सकत रहले, डॉक्टर बच्चा के ना बचा सकले। हे भगवान, एक कैसना एक्सीडेंट रहे, परे भइल कैसे? हाँ हमार मतलब ई बा कि तू तो अपन इतना ध्यान रखेलू, फिर ये हादसा भइल केकरे गलती से? हाँ तनु बोला, केकरे गलती से भइल ये हादसा? हमनी के नाम बतावा ओकर, हम ना ओके सजा दिलाई, ओकरे खिलाफ केस करब। हाँ यहाँ हमार कोनो बात पे यकीन न करी, हमके कुछ न कहे के भाई बारे में कुछ न कहे। ऐसन काहे कह रहल बाड़ो तनु? तू अपन बच्चा खोले बाड़ो, भला यहाँ काहे केहू तारे बात पे यकीन ना करी? हाँ तनु तू बतावा हम सब के, ये हादसा केकरे गलती से भइल बा? हम सब तुहार विश्वास करब। अगर आप सब लोग सच जाने चाहता न तो सची बाकी हमार एक्सीडेंट एक्सीडेंट न रहे, एगो प्लानिंग रहे, कोई हमके और हमार बच्चे के मार डाले चाहत रहे। और कोनो ना, आपके घर के बहू प्रज्ञा भैया। प्रज्ञा? हाँ अभी प्रज्ञा वही एक्सीडेंट करवा ले भैया, वो हमके और हमारे बच्चे के मार डाले चाहत रहे अभी। ये झूठ है। अब झूठ बोलो, एगो मार जपन बच्चे के खो चुकल भैया झूठ। ना ना हमार मतलब बाप तो के कोनो गलत फहमी भइल बा, प्रज्ञा ऐसा ना कर सकेली। काहे ना कर सकत, काहे कि वो आपके प्यारी प्रज्ञा भैया हिला। हम कहले रानी ना हमार बात पे केहू यकीन ना करे, ऐसे हमके एक गो माँ जे अपन बच्चा खोले भी है ओकर तकलीफ केहू ना समझी यहाँ पे। और दादी आप ओके सजा देवे ना देवे, पर सच ये बा हम रोड क्रॉस करत रहनी और हम देखनी कि एगो गाड़ी स्पीड से हमरे तरफ आ रहल बा, हमके कुछ समझ में ना आए कि हम करी का, हम ब्लैंक हो गए रानी। और जब तक हम समझे की कोशिश करते हमार एक्सीडेंट हो गई। तो भगवान के शुक्र बाकी हम बच गए नहीं, पर हमार बच्चा ना बच पाए। ना तनु तारा वाकई कोनो गलती भइल बा, प्रज्ञा सब कुछ कर सके ले, लेकिन केहू के बच्चे के जान ना ले सकी। अब तारा के भी हम ही गलत लग रहल बानी, कि नो एक्चुअली गलत हम ही बानी। जब हमके पता है कि हमरे बात पे केहू यकीन ना करी तो हम प्रज्ञा के नाम लेने ही कहे। अभी अगर धोखे भी ये लग रहा कि हमार प्रज्ञा से कोनो दुश्मनी बा और यही वजह से मुकर नाम ले रहा बानी तो तू गलत बाड़ा। अभी तो के हमार बात पे यकीन नहीं खिला तो तू निखिल से पूछ ला, निखिल वही पे रहे जब हमारा एक्सीडेंट भाई, वो सब कुछ अपन आग से देख ला। तू निखिल से पूछ ला, वो तारा के सारा सच बताई, एक तो कोनो दुश्मनी ना बा ना प्रज्ञा से, ई थोड़ा सारा सच बताई, पूछ ला एकरा से। तनु बिल्कुल ठीक कह रहल बिया भी, जहाँ पे एक्सीडेंट भइल रहे मुझे से गुजरत रहनी, हम अपन आँख से देखनी। तनु रोड क्रॉस करत रहे, सामने से तेज रफ्तार से गाड़ी आवत रहे, हम बचावे गनी तनु की ओर, द कार वाज स्पीडिंग सो मच। हमारा पास ऐसे कुछ कहने से पहले कि वो गाड़ी धक्का मार दिलस तनु के। अपन आँख से देखनी हम वो कार प्रज्ञा ही चलावत रहे और कोनो गलती ना रहे, ये सब जानबूझ के कलेसु। देखा तनु हमके लागत बा के इट्स ओके, अभी तू केहू के कोनो सच मत सुना। अब हमके इस झूठ के लड़ाई ना लड़े के, काहे कि हम तो हार चुकल बानी और प्रज्ञा जीत चुकल भी, हम अपन सब कुछ हार चुकल बानी। अभी अब तो तोके समझ जाए के चाहे कि प्रज्ञा 2 दिन ला कहाँ गायब रहे, अभी वही सब कुछ प्लान करत रहे, वो हमार एक्सीडेंट करवावे चाहत रहे ताकि हम और हमार बच्चा मर जाए, ताकि आप लोगों के केहू के शक न हो कि एक्सीडेंट प्रज्ञा करवा लग। और देखियो
जब तू उसे पूछब ना तो ये कहे कि हम कहीं ऐसन जगह रहनी जहाँ हम आपके ना बता सकत रहनी, या हो सकेला कि वही झूठ बोल देवे कि हम ओके बांध के रख रहे रहनी ताकि वो हमारा एक्सीडेंट ना करे। पर अभी सच ना बा, सच ही बा कि हमारा एक्सीडेंट प्रज्ञा घर वाले भी ओके लगत रहे कि अब हम ओकर पति छीन रहल बानी तो वो हमार बच्चा ही हमसे छीन लेला। अब हम का करें, अभी केकरे सारे छे अब हम के बाबा। ई दवाई आवे में इतना देर काहे लग रहल बा, ओकरे इलाज में देना होके के चाही। हे भगवान, तनु और ओकर बच्चा के बचा लिया, ई लड़ाई में एक बच्चा की जिंदगी ना जाए के चाही। मैं मिली आपके बाकी के दवाई। थैंक यू सो मच। हम ना मानब, प्रज्ञा ऐसा करिए ना सकत। देखा, हमके तनु के बच्चा के जाए के दुख जरूर बा, अफसोस ई बात के बा कि ई इल्जाम प्रज्ञा पे दे रहल बिया। प्रज्ञा केहू के जान ना ले सकत, बच्चा के जान तो बिल्कुल ना ले सकत, ई हो ही ना सकेला। दादी बिल्कुल ठीक कह रहल वानी, दी ई सब कबो ना कर सकेनी। और आप लोगन के तनु के बात पे विश्वास ना हो रहल बा, हम पे भरोसा नहीं है। वहाँ पे एक्सीडेंट साइट पे कई लोग रहले जे देखले, ओकरा में दो गवाह तो हम पेश कर सकेनी, एगो ठेला वाला एगो पान वाला, बुला सकेले उनकरा के, पूछ सकेले, साफ साफ देखले हूँ कि का भइल रहे वहाँ पे, केकर गलती रहे, जान बुझ के सब कुछ कैलस। पहली बात तो दी रहनी ना, और अगर केहू दी के ये सब कुछ करत देख ले बा ना, तो हम उसे जरूर मिले चाहब। जरूर मिले के चाहे पूरब, और जे कैले बा ओकरा सजा भी मिले के चाहे, और तनु के इंसाफ भी। हम यहाँ इंसाफ की बात ना कर रहल बानी निखिल, कौनो गुनाहगार की सजा मिले या ना मिले, पर कौनो बेकसूर के सजा ना मिले के चाहे, और दी बेकसूर बानी। सजा गुनहगार के ही मिले के चाहे, और गुनहगार यहाँ पे तोहार दीदी प्रज्ञा ही बिया। इसे पहले भी दी पे कई इल्जाम लागल और वो सब झूठा साबित भइल, देख लिया इल्जाम भी झूठा ही साबित होगी। झूठ सच के फैसला अभी हो जाए, जब दोनों गवाह यहाँ आके। बंद करा अपनी नाटक। हमार बच्चा यहाँ मर गया, तू लोग सच और झूठ के लड़ाई लड़ाता रहा, सबूत गवाह जमा कराता रहा, तू लोग के इस सच और झूठ के लड़ाई में का हमार बच्चा वापस आई? ना ना, एंड जस्ट शट अप ऑल ऑफ यू। का कर रहे बानी आप लोग? इनकर अभी अभी ऑपरेशन भइल है, और आप लोग उनके ही सामने? अगर आप लोग के लड़े के ही बा तो प्लीज बाहर जाके लड़ी, यहाँ पे सब मत करी। शी इज इन पेन, प्लीज आप लोग बाहर जाएं। ना अभी प्लीज तू यहाँ हमरे साथ रुक, प्लीज। सरला जल्दी आओ। हाँ हाँ माँ जी, आ रहा बानी, का हो गई इतने सवेरे सवेरे? अभी के दादी के फोन आ रहा बा, उठा। और ये इतने सवेरे फोन काहे कहीं नहीं है? कहीं ऐसा तो ना कि प्रज्ञा अभी के सब बता दे ले? भगवान करे ओइसा नहीं होखे, अभी के तनु के सच्चाई के पता चल जावे और हमनी के प्रज्ञा के सर से मुसीबत टल जावे। फोन तो उठाओ ना। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। अस्पताल में सब ठीक बा? कुछ ठीक ना बा। बच्चा तनु के मरल बा, और सदमा में हमार अभी चल गई बा। दो दिन से उ ना कुछ खैले बा, ना कुछ पेहले बा, केहू से बात भी ना कर रहल बा। तब प्रज्ञा अभी से तनु के बारे में बात ना कैलक? प्रज्ञा तो हिम्मत ही ना कर पा रहल बिया उसे बात करे के। प्रज्ञा उसे बात भी करी तक तनु के सच कैसे सामने आई? अभी तनु के बच्चा के आपन समझ के इतना सदमा में चल गई बा कि प्रज्ञा अगर उसे बात करी, अगर उसे बोली कि ई बच्चा जे रहे वो अभी के ना रहे, केहू और के रहे,
तो पता ना अभी ओ पे यकीन भी करी कि ना। सरला जी, हमनी के तो डर रहे ना कि ये बच्चा तनु और अभी के रिश्ता के जोड़ ना देवे, और ये बच्चा तो मर के आपन रिश्ता अभी के साथ जोड़ ले लग। अभी ई सदमा से बाहर ही ना निकल रहल बा, और हमके तो डर लागत बा कि अभी प्रज्ञा के ई सब कर जिम्मेदार ना समझ बैठे। पर ऐसे तो बड़ मुश्किल हो जाए। डॉक्टर का कह रहल बानी? डॉक्टर तो कह देले बाड़े तनु आजे घर जा सकेली। घर जाके देखा प्रज्ञा अगर अभी से बात करे, शायद शायद मतलब उससे बात करे के ही पड़ी। अगर सच्चाई सामने ना आई तो अभी के कैसे पता चली? पर आप चिंता मत करी, हम बानी ना प्रज्ञा के साथ है। कुछ गलत ना हो खेदे। प्रज्ञा और अभी खातिर हम तो चिलिया भी रख ले बानी। सब ठीक हो जाए ना तब प्रज्ञा और अभी के लेके हम गुरुद्वारा जाए। हाँ जी जरूर ले जाए। चला फिर देखल जाए का हो खेला। सब कुछ ठीक होगी ना तो हम आपके फिर फोन करब। आप ना हमके घर पहुँच के जल्दी फोन करके हमके सब बता दी है, वरना हमार दिल वैसे ही बैठल जा रहल बा। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते माँ जी, हमके ऐसा लग रहल बा कि प्रज्ञा शायद इंतजार कर रहल बिया कि तनु घर जावे और फिर ओकर सामने वो अभी के ओकर सच्चाई बतावे। भगवान करे ऐसा नहीं होके अभी के प्रज्ञा के बात के भरोसा हो जावे, फिर हमनी के कौनो सबूत के भी जरूरत ना पड़ी और दोनों के बीच जे गलत फहमी बा ना वो दूर हो जाए। काश माँ जी सब ऐसा नहीं होके जैसे आप कह रहल बानी। आलिया होके कहे कि आलिया और तनु के सिर्फ और सिर्फ अपन बिजनेस के पड़ल बा। कहाँ बाड़ा तू निखिल, हम कब से तोके फोन कर रहल बानी, तू फोन काहे ना उठा रहल बाड़ा? इतना सब बात समझ में ना आवेला कि वहाँ हम बात ना कर सकेनी तो हर साथ काहे? अभी तक अपन मरल बच्चा के मातम मना रहल बाड़ा। हमार बच्चा रहे वो, ओकर बारे में कौनो बात ना होखी। दू दिन से सूतल नहीं की हमालिया, इटर से की कहीं प्रज्ञा कुछ बोल ना देवे, अभी के हमने की सच्चाई के ना पता चल जाए। बार बार अभी हमसे पूछ रहल बा कि तू करत का बड़ा यहाँ पे, और हम ओकरा से बहाना पे बहाना दे जा रहल बानी उजा रहे खातिर कि कहीं कहीं तनु के हमार जरूरत ना पड़े। और अब जब ओकरा डिस्चार्ज मिलल बा तनु के, तो घर जाके ओके उतना आराम ना मिले वाला जितना हमके यहाँ आके आराम मिल रहल बा। अब सुते ही जात रहने कि यहाँ आयल बाड़ू तू हमके डिस्टर्ब करे। ट्राई टू अंडरस्टैंड निखिल कि हमके भी जाने के बाकी वहाँ का भइल और का नहीं थे, और हम समझत बानी कि तू बहुत काम कैला है और बहुत अच्छा से कैला है, लेकिन अगर तू हमके भी बताए कि वहाँ पे का भइल है, तब जैसे तोहके नींद के जरूरत बा वैसे हम भी सुकून के नींद सूत पाईब। बताओ तनी, हम खुद के जगावे खातिर कुछ टॉनिक लेवे था हमके। अब अंदर ड्रिंक लार बानी प्लीज बैठा। एक्सीडेंट के बाद जब तू हमके फोन कैलू, हमार हालत बहुत खराब रहे इमोशनली एंड मेंटली। खुद के संभाले के बाद हम तनु के रूम में गईनी। टेक केयर योरसेल्फ तनु, प्लीज रो मत, हम बानी ना तनु। प्रज्ञा बच गई तनु, लेकिन तोरा कुछ ना होगी तनु, तू बच गई, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई नो निखिल, पर हम के ऐसे काहे फील हो रहल बा जैसे हमरे साथ कुछ गलत भइल बा। कुछ गलत नहीं क्या भइल, कुछ गलत होके ना देब हम बानी तनु, कुछ ना होके। हाउ यू फीलिंग नाउ? डॉक्टर प्लीज हमके बताए कि हमके का भइल बा, हमके का ऐसा लग रहल बा जैसे हमार बच्चा। हमके बहुत दुख के साथ कहे पड़ रहल बा कि हम आपके बच्चा के ना बचा पाइनी। और आपके बच्चा आपके पेट में ही मर गए, आपके भी बहुत चोट आयल रहे, वो तो हमनी बहुत मुश्किल से आपके जान बचवनी है, वरना शायद आप। एगो और बात, आपके प्लेसेंटा पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा,
बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हो गई रहे और शायद अब दोबारा माँ नहीं खे बन सकी। I'm sorry for your loss. ना कुछ 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 ना कुछ ना कुछ ना this is not the final. This is not the final, तनु। अमर बच्चा, अमर कहीं बिना ही दुनिया में आए ले। अब हम क्या करें? एगो है तरह जेके हमने के बॉन्डिंग है, शादी से ज़्यादा मजबूत रिश्ता। एगो है तरह जे प्रज्ञा के अभी से अलग कहीं के रख ले हैं। अभी और प्रज्ञा एक हो जाएगे, we are finished। ऐसा कुछ ना होगी जब तक हम जिंदा बानी। तनु सिर्फ सिर्फ ही इस सिचुएशन ऐसा बा ये बाजी जीत गेल बानी, लेकिन गेम अभी तक नहीं खे जीतल भिया। अगर तू कहा जन हम तोरा से सिर्फ सिर्फ नेगेटिव मत सोचा, सिर्फ उहे करे के बा भी अपन बच्चा के कसम। अच्छा तरह से समझ गए तनु, बहुत ज्यादा इमोशनल रहे लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दहलस हो। सब कुछ छीन लहलस हमसे, अभी कुछ ना बचल बा। हिला दहलस अभी के वो हालत में बस हमके तनु माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दहलस। ओकर आरती उतारा बंद कर और हमके ई बतावा कि उस सब कुछ सुन के अभिषेक प्रेम मेहरा के का रिएक्शन रहे। ओकर रिएक्शन एक सस्पेंस बा। सस्पेंस पता ना, हो सकेला तनु के बात कैजुअली ले ले होके, हो सकेला ओकरा लागत होके कि अब तनु नाम के चीज ओकर और प्रज्ञा के बीच से हमेशा खातिर हट गेल होके, या फिर तनु के बात सुन के ओकरा बहुत गुस्सा भी आयल होखी। यू नेवर नो ओकर अल्टीमेट रिएक्शन का होखी। सस्पेंस बा। और वो बहन जी ओकर का रिएक्शन रहे, वो का कहलक? ओकर ओकरा से भी बड़ सस्पेंस बा। दो दिन खातिर चुप बैठल रहे, देखत रहे अपन पति के। हो सकेला कि सोच रहल होके कि पति देव बात ना करहल बानी ता हमके भी बात ना करे के चाही, या फिर ही सोच रहल होके कि सिचुएशन के तनु के अगेंस्ट यूज कैल जाए। लेकिन सब लोग आज जात रहल है तो अफसोस करे खातिर, तो शायद यही खातिर वो टॉपिक के ना छड़लस। तब हमनी के पास वेट करे के अलावा और कोनो ऑप्शन नहीं है। सो नाउ लेट सी के वहां घर पे के पहले रिएक्शन लेवेला। तू भी वेट एंड वॉच के पॉलिसी अपनाओ और प्लीज घर जाके सुत जा। आई जस्ट होप कि सब कुछ वैसे ही हो कि जैसे हमने सोचले बानी। तनु के ही परफॉर्मेंस के बाद वो चुप तो ना बैठी है। तनु जे उनके बोलले भी आ और ओकर जे इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़े वाला बाना ओकर सीधा सीधा प्रज्ञा पे ही पड़ी। चिंगारी तो लगा देले भी आ। इट इज अ फैंटास्टिक जॉब। अब बस हमने के उस चिंगारी के आग बनत देखे के इंतजार करे होगी। लगे दाग आग लगा के तमाशा देखल तो हमने के काम बा। अभी प्लीज एक हाथ भी मत लगाओ और नीचे रख दा वापस। तनु ही बच्चा तो हमारा भी। हमके तो से अपन बच्चा के बारे में कोनो बात ना करके। तू का बोला तारू तनु, हमके पता बात तू दुखी भाड़ू, लेकिन ये बच्चा हमार भी तरह जितना तकलीफ तोरा के होत बा उतना तकलीफ तो हमरा के भी हो रहल बा। तो के कोनो तकलीफ ना हो रहल बा भी। तू सिर्फ ओके अपन बच्चा बोलत रहला मानत ना रहला। अगर मानता तो आज हमारा बच्चा जिंदा होकर इस तरीका से मर ना जाए। तू तनु तोर वजह से हमारा बच्चा हमार लाइफ में आ रहे हो, तेरे वजह से चल गए। तनु ये सब का बोला तारू तू, हम का कहीं नहीं तनु। अब तो एक्सेप्ट कर ला भी, और कितना ड्रामा और काहे। तू अच्छा तरीका से जाने ला कि हमार बच्चा सिर्फ तेरे वजह से मरला। त
तहार प्रज्ञा ला जे प्यार बाजे पागलपन बा उहे ओकरे उकसैलक है सब कुछ करे खातिर। पहले हमनी के शादी रोक लक्स और फिर हमार बच्चे के नाजायज कहलक केहू और के कहलक। उ जानत रहे जब तक हमार बच्चा हमरे साथ बा उ तेरे साथ न रह सकत है, हमार बच्चा के मारे की कोशिश कैलक। चिरो एक दो बार उ घर में प्लानिंग कैलक हमके मारे ला, लेकिन हम हिम्मत न हारनी। अभी हम ओकरे सामने खड़ा रहनी अपन बच्चा के जिंदगी खातिर ओकर हक खातिर। लेकिन इनमें का भाई हम हारी गईनी ना अभी। उ जानत बाड़ा काहे काहे कि ई लड़ाई में हम अकेला रहनी और ई लड़ाई में तोके हमरे साथ होके के चाहत रहे, लेकिन तू प्रज्ञा के साथ देत रहला। ओकर हिम्मत बढ़ावत रहला ताकि हमार बच्चा मार सके। अगर तू इसे एक बार भी कह देता ना कि तू उसे प्यार ना हमसे प्यार करेला, तो ओकर कबो हिम्मत भी ना होती सब कुछ करे खातिर। हमार बच्चा के प्रज्ञा ना तू मार ले बाड़ा। स्टॉप इट तनु। हम तो हर झूठ बहुत बर्दाश्त करनी, लेकिन और झूठ ना बोल भू तू। प्लीज आप एकर बातें मत आवा। झूठ बोल रहा बियाई आपसे। एकर बच्चा की मौत की जिम्मेदार न तो आप बानी ना था हम, ये खुद ही बिया होकर मौत की जिम्मेदार। हम हॉस्पिटल में यही लाभ से कुछ न कनी कहे कि अब बहुत दुखी रहा, यही ला हम ये बात छेड़े ही ना चाहत रहनी वहाँ। लेकिन जब ये खुद ही बात छेड़ ले बिया तो हम चुप ना रह। प्लीज आप इकर बात में मत आवा। ये झूठ बोल रहा भी आपसे, ये बच्चा की मौत की जिम्मेदार आप। प्रज्ञा ये वक्त हम कुछ ना सुने चाहत बनी। प्लीज लीव अस अलोन। हम आपकी ये हालत में एकरे साथ अकेला ना छोड़ सकी नहीं, काहे कि फिर से आपसे झूठ बोली। आप काहे हमार बात ना मान रहल बानी। हम कुछ ना कहनी, हम एकर एक्सीडेंट ना करौनी। ये निखिल एक्चुअली हमके कुछ ना सुने के बा, पर तू जा यहां से। प्लीज अभी बोली दे के जे बोले के बा। हमके झूठ कह रहल बिया ना, अब एकर सच भी सुन लेता नहीं। बोला प्रज्ञा, बोला तो के का बोले के बा। बोल दा कि तू हमारा एक्सीडेंट ना करवेलु। बोल दा कि तू यहाँ रहलू ही ना। बोल दा कि तू के क्यों बांध के रख ले रही। बोल दा कि हम तो के किडनैप करवा ले रहनी। या ई बोल दा कि तू हमारा एक्सीडेंट ना, हम तुहार एक्सीडेंट करवावे चाहत रहनी। बोल दा कि हमारे बच्चे के जिम्मेदार हम खुद बानी कर मौत के जिम्मेदार। एगो माँ हार गई, एगो बच्चा हार गई। बोल दा जी तो के बोले के बा, हम तो के कुछ न कह। तारे झूठ से अब हमके कोनो फर्क न पड़ेला, काहे कि हमार सबसे बड़ सच हमार बच्चा रहे। तारे आगे हम हार गए तो कि हमके अभी से जिंदगी से निकाले के बना। निकाल दे हमके, निकाल दे घर से, हमके कोनो फर्क न पड़ेला अब। तो कि जे बोले के बा बोल दा। हम बोलब तनु और सच बोलब। अब तक चुप रहनी काहे कि हमके लागल कि बच्चा की मौत के सदमा लागल हो की तरह के, लेकिन तू एकर मौत की भी इस्तेमाल कर रहल बिया। अब भी झूठ बोल रहल बाड़ू। इनके पता हो के चाहे कि 8 महीना तक तो बच्चा के अगर अपन पेट में पाल ले बाड़ू तो सिर्फ यही ला। काहे कि तू लोग ऐसो आराम की जिंदगी चाहत रहलो। बुरा इरादा के बुरा करेला तू बच्चा के इस्तेमाल कैलू हो, लेकिन वो बच्चा तहरे बुरा इरादा के बोझ ना सह पैलक। तहरे कैले के सजा बच्चा भुगतल और अभी भी इनसे झूठ बोल रहल बाड़ू। वो बच्चा इजे दुनिया में ना बा जोना के वजह से तू आज तक इनसे झूठ बोले ताल बाड़ू। स्टॉप इट प्रज्ञा, स्टॉप इट मैन। वो बच्चा हमार भी रहे, दुख हमरा भी हो रहा हलवाई खातिर ओकरा अपन लड़ाई के मुद्दा मत बनावा। अच्छा बुरा तका ओकरा जिंदगी भी ना मिलल तो ओकरा बारे में बात करके कहा मिली। लेकिन वो बच्चा आपके ना। प्लीज मत बात कराई बारे में, हमके कुछ ना सुने के बा। तू इसे न मानबू ना, प्लीज निकल जाए घर से। प्लीज अभी और हमके अकेला छोड़ दा, हम दोनों एक दूसरे के संभाल ले। प्लीज तू जा यहाँ से। हम तो के एकरे साथ अकेला ना छोड़ सके। तुहार पति खुद तो के बोल रहा बा, तू यहाँ से चल जा। प्लीज प्लीज ही घर छोड़ के चल जा। का वाकई चाहे लेके हम ही घर छोड़ के चल जाए? हम अपना आसपास केहू के बिना चाहता नहीं, केहू के बिना। हमके ना तो केहू के साथ चाहिए और ना ही केहू की सिंपैथी। काहे के सच तो यह बना कि हमार बच्चा मर गई बा और अब वो सच बदले वाला नहीं है। फिर चाहे वो हमरा वजह से मरल बा या फिर तू लोग के वजह से, का फर्क पड़ेगा? वही दुनिया में तो नहीं है ना। हम कहनी ना कुछ ना सुने के बा हमके, तू समझत काहे नहीं के। प्लीज हमके अकेल छोड़ दा। लेकिन हम आपके तो ऐसे ना मानबू। तू चला निकला यहाँ से। प्लीज अभी और हमके अकेला छोड़ दा, हम दोनों एक दूसरे के संभाल ले। प्लीज तू जा यहाँ से। हम आपके एकरे साथ अकेला ना छोड़ सके नहीं, काहे कि फिर आपसे झूठ बोली
आप काहे ना समझ रहल बानी, झूठ बोरल भी हम कुछ ना कहनी, हम ना करब नी ये एक्सीडेंट। तू इनका ऐसे हालत कर सकलो लेकिन देख ना सकलो काहे? देखा प्रज्ञा, हमने की और परेशान मत कर, हमने की हाल पे छोड़ दे, तू जा यहां से। देखिए आप हमारे पास, अच्छा ठीक, आपके आपके हमारे बात पे भरोसा ना करे की बात मत कर, पर एकर बात पे यकीन मत कर, ये अभी आपके धोखा दे रहल भी। एक एकरा के धोखा दे रहल भाई, सब अच्छा तरीका से जाने ले। अब तू यहां से जा रहल बाड़ू की हम तोके धक्का मार के यहां से बाहर निकाल। हमार बात सुनो प्लीज, प्लीज प्लीज हमार बात तो सुनो। निकल जाए घर से, बांध ला अपन सामान और निकल जा, अभी के तार कोनो जरूरत ना बा। ओके अकेला रह के बा, और तू ही इनके अकेला कह लुआ, पहले ओके हमसे छीन के और फिर अपन बच्चा के। वो बच्चा उनका ना रहे ऐसा तू कह रहा बाड़ू। अभी के तो ये पता बना की हुई के बच्चा रहे, जे की अभी दुनिया में न रहल वो सिर्फ तहरे वजह से। तब तू जाके उसे कितना भी बात कर ओके उल्टा तकलीफ ही पहुंचाईबू। देखा अभी हमसे प्यार करे ना करे लेकिन अपन बच्चा से बहुत ज्यादा प्यार करत रहे, तो अगर तू के जाके बात कहबू या कुछ कहबू तो के और ज्यादा तकलीफ पहुंचेबू। ओके ई प्रूव करे की कोशिश करबू कि बच्चा उनकर ना हा, या तो कुछ ना कहलू तो के और ज्यादा गुस्सा दिलवाईबू, अपसेट करबू। उसे कितना भी सच बतावे की कोशिश कर प्रज्ञा, लेकिन अभी के सिर्फ एक के सच बतावा की ओकर बच्चा ही दुनिया में ना रह, तुम्हारे बच्चा के तो मार ही देलू। लेकिन अगर अभी के साथ रह लू तो ओके हर रोज मारू, तब प्लीज ओके बख्श दो और चल जाए घर से। वैसे तू ही कह ले रहा लू ना कि कबो कबो अपन खातिर अपना के छोड़े पड़ेला। अब वो वक्त आ गए बा प्रज्ञा, तो के अभी खातिर अभी के छोड़े के पड़ी, उनकी समझे के पड़ी, ओकरे हमार बात माने की पड़ी कि हम कुछ ना कही नहीं। वो बच्चा की मौत की वजह हम ना बानी, वो बच्चा की मौत की वजह तू बाड़ू, ऐसी घर से अगर केहू जाई तो तू बाड़ू। कितना बार सेल्फिश बाड़ू ना तू, खुद के खाते तू अभी के तकलीफ पहुंचावे चाहत बाड़ू। तो के पता भी बाबी का सोच रहल बा, उहे सोच रहल बा कि हम अपने बच्चा के ड्यूटी पूरा ना कर पाईनी। ओके हमरे साथ रह देबू, ओके ड्यूटी पूरा करे देबू तू थोड़ा हल्का फील करी, दुखी कम होखी हूं, लेकिन ना तू तो यो ना होखे देबू राइट। तेरे साथ रह से उनकर तकलीफ और बढ़ी, काहे कि तू हमेशा उनसे सच छिपावले बाड़ू की बच्चा निखिल के रहे। जब उनकी पता चली कि बच्चा उनका रहे ही ना, तब उनके कौन तकलीफ ना होगी, वो अपन हर दुख से बाहर निकल जाइए। वैसे प्रज्ञा अभी के सच बताई के तू? हाँ हम। प्रज्ञा अगर तू सोच रहा बाड़ू की तू अभी से बात करबू के मनाबू और मान जाए, तो ई तरह लाइफ के सबसे बड़ गलती बा, कहे की तू शायद ऊ ना देख पा रहा बाड़ू जो हम देख रहा बानी। तो के याद बा जब अभी तोरे पे चिल्लाए ले रहे, तब वो पति ना रहे, एगो बच्चा के बाप रहे, जिके अपन बच्चा के जाए के दुख बा और उकर माँ से ज्यादा दुख। उकर दिमाग में ही बात बैठ गई बा कि उकर बच्चा के मौत के जिम्मेदार खुद दे बा, कहे की वो तोह से प्यार कैला। हाँ तू सही सोच रहा बाड़ू, हम ही अभी के दिमाग में ही बात डाल ले बानी की तहरा ला उकर प्यार हमने के बच्चा के मौत बन गए। अगर वो तो से प्यार ही ना करे तो ओकरे साथ रहे के फैसला ही ना ले तू। ओके अब समझ में आ गई बा कि ओकरे साथ रहे खातिर तू हमने के बच्चा के मार देल, तो के पता रहे कि जब तक वो बच्चा बा तू अभी के साथ ना रह सका, तो के पास ना सका, ओकरे करीब ना जा सका, एला तू बच्चा के मार देल। और ये सब बात खातिर तो के खूनी माने और खुद के जिम्मेदार, हमके ना पता ये हादसा के बाद अभी तो से प्यार करी की नफरत। पर हाँ अगर तू उसे बात करबू, ओके समझावे की कोशिश करबू कि तू ये सब कुछ ना कहलू, तो जरूर अपने आप से नफरत करे, चाहे तोके सजा ना देवे लेकिन खुद के सजा जरूर दी कि वो तोसे प्यार काहे करे और ऐसन प्यार जो कर बच्चा के ही मार देला। प्रज्ञा तहरा लाभी के प्यार नोकर लाइफ के सबसे बड़ गलती रहे, और अगर तू चाहत बाड़ू की एकर सजा वो खुद के ना देवे तो तू चल जाओ कर लाइफ से। हम ओकरे साथ रह के ओकर दर्द बांट लेब, लेकिन अगर तू ओकरे साथ रह तो ओकर दर्द और बढ़े। अगर तू चाहत बाड़ू की अभी अभी जिंदा रहे, अपन आपके तकलीफ ना देवे, वो खुश रहे, तो प्लीज ओकरी लाइफ से चल जा हमेशा हमेशा खातिर। कहे की प्रज्ञा हर रिश्ता की एंडिंग हैप्पी एंडिंग ना हो, हर शादी के मतलब जन्म जन्म के साथ ना हो, कुछ लोग मिले ले ही सिर्फ बिछड़े खातिर। आई दादी, हम कहत रहनी आपसे कि वहां एक्सीडेंट के दिन वहां दूगो गवाह रहले।
यह उ दोनों गवाह बाड़े। ये तेली रामबा केला के ठेला लगावेला वहां पे जहां एक्सीडेंट साइट रहे, और ये बांके बिहारी पान वाला है, ये दोनों वहां पे एक्सीडेंट हो देखले रहले। हमके तो ये दोनों सकल से ही गुंडा लग रहे बड़े, और का पता तू इनके पैसा खिलाए होगा झूठ बोले खातिर। एक मिनट पूरब, हम बात करत बानी। देखा बेटा, हमार बहू बहुत मुश्किल में बिया, तू जे कुछ भी बोली है सच बोली है बेटा, डराई है मत। अगर तू सच बोलबा तब बहुत बड़ा मुश्किल हमनी के आसान हो जाए, ई केहू के जिंदगी के सवाल है। यार ये बुढ़िया के आंसू देख के इमोशनल ना हो जाए, इमोशनल होके अगर ये सच बोल दहलस त जे भी हम बोलब बिल्कुल सच बोलब। दादी हम देखनी की बड़ा सा गाड़ी तेजी से आवत रहे, ओकर पहले ये भाई साहब ओके बचावते गाड़ियों के उड़ा दे। बांके बिहारी ये लेकी की तस्वीर गौर से देखा, गाड़ी चलावे वाला लेकी का ये रहे। जी हाँ, वही भैया जी अपने गाड़ी से महिला के मारे की कोशिश कही लग। झूठ बोल रहा बाड़ा तू, कहले रही ना सच बोली हा। अरे भगवान भी नीचे आके बोली हा ना, तब वो हम ना मानब। अगर प्रज्ञा कहले बिया कि ऊ ई ना कैलक तो एकर मतलब तू झूठ बोल रहा बाड़ा, तू सब लोग झूठ बोल रहा बाड़े, एकदम झूठ बोल रहा बाड़ा। देखो दादी जी, हम आपके सब सच बताऊनी, मानब ना मानब ये सब आपके ऊपर बा। हम अपन आँख से देखने की आपकी बहू गर्भवती महिला के मारे की कोशिश कही लग। चुप, हम तो के दादी, दादी प्लीज, दादी आपके चिल्लाई से आपके मारे से इनके कुछ ना होगी। दादी दादी हमार बात सुना प्लीज, दादी इनकर झूठ हमानी के सच बदल ना सकत, और हमनी जानी लेकिन प्रज्ञा जी कुछ ना कही। दादी उनके बेगुनाहीला हमनी के इनसे सबूत लेबे की कोनो जरूरत ना बा। अब प्लीज संभाल अपने। थैंक यू बाकी सच बोले खातिर। दादी हमनी के बुजुर्ग बाड़ी, हमनी के दादी जैसन बाड़ी, वो डिस्टर्ब बाड़ी, तू जा सकेला। दादी चला दादी। भाई उल्लू बनोले एक्टिंग करनी भाई आप कैसा लगा सर? सेमी का एक्टिंग, पहले बोले सीख ले फिर एक्टिंग सीखिए, समझ ले। ये पहले काम बिगड़ ले ना, यही सही सब करे के पड़ा ले। और वहाँ पे वो बुढ़िया बात करत रहे तो तू पिघले वाला रह ले। अरे ना सर, सेमी झुक सकेला लेकिन टूट ना सकत, और वैसे भी हम वहाँ वही बोलने जे आप हमके समझो ले। ठीक बा ये पकड़ पैसा, फुल एंड फाइनल पेमेंट बा, और ये काम के ज्यादा ही देनी तो रखे। पैसा पकड़ और यहाँ से निकल। निकल मतलब समझ लेना, शहर से आउट हो जा। शहर से कहाँ सर? गांव जा, खेती कर, पहाड़ तोड़, पत्थर तोड़, यहाँ मत दिखिए। अगर ये जब गलती से दिख गई ले तो हम कुछ ऐसा करब कि तू दोबारा ये पूरा ब्रह्मांड में नजर ना आईबे। हाँ समझ गई नी सर, आप चिंता मत करा, आज ही हम लोग शहर से चल जाता नहीं। ए, तू चला स्टेशन चलेगे बा, पहली गाड़ी पकड़ के गाँव है। चला सर, चलो बानी, चल रहे। अभी हम जाना तानी तो के बहुत बुरा फील हो रहा बा, पर तो के गिल्टी फील करे की जरूरत ना बा। सुना कुछ ना बोलबू तू, अगर तू सच भी बोला तारू तो हम के तहार बात ना सुने के बा। पता बा हम अपना आप से कहत रही कि तू ये सब कुछ ना कर सकेलू, लेकिन अब तोहर असलियत सामने आवे के बाद हम तो अपन दिल के भी ना सुनब। ना सुने के बाद हमके तोहर बात, काहे कि हम जानत नहीं गए हम तोहरा के मौका देनी ना।
तो हम तोहर बात मान ले, लेकिन जब हमके तोहरा ऊपर भरोसा ही नहीं है तो हम काहे सुनी तोहर बात। एक वक्त रहे जब हम तोहरा के देखत रहली तो हमके अपन फुग्गी के याद आवत रहे, लेकिन अब हम जब तोहरा के देखली ना तो हमके अपन बच्चा के याद आवेला, अपन उ प्यार याद आवेला जेकरा वजह से हम अपन बच्चा खोले बानी। अब तोहर बात सुनल का हम तोहर शकल तक नहीं के देखे चाहत, प्लीज लीव अस। तबे हमसे बात करी है तब वो हमारी बात सुनी ही भी और हमारी यकीन भी करी है। तू मुस्कुरात काहे बाड़ू? हम ही सोच के मुस्कुरा रहल बाड़ी कि जब आपके मन के काम पूरा ना हो पावेला तब अपन मन के बहलावे लागे ले। हमार मतलब बा कि हमके ई त समझ में आ रहल बिया कि तू अपन दिल के समझा लेबू, लेकिन अपन दिमाग के कैसे समझाइबू जे जाने ला कि अभी ए वक्त गुस्सा में ना बा, तकलीफ में बा, और ओकर ई तकलीफ कबो कम ना होगी। उनकर तकलीफ दूर हो जाए जब उनकी सच बताई, तब तब हम उनके साथ होब और तनु घर छोड़ के जा रहल होगी। सच लेकिन अभी तो सच सुने के ही ना चाहत बा, आज ना सुने चाहत बानी, लेकिन हम उनकी सच बताई। आज ना सुनिए तो कल, कल ना सुनिए तो परसों, लेकिन एक ना एक दिन उनके सच सुने के ही पड़ी। और जब तक बताना देबू तब तक ओके ऐसे ही तड़पावत रहबू, हर रोज ओकरे सामने रह के ओकर बच्चा की याद दिलावत रहबू, ओके एहसास दिलावत रहबू, ओके लागे कि अगर उ तो से प्यार ना करेला तो आज ओकर बच्चा जिंदा होत, और धीरे धीरे वो खुद से नफरत करे लागे या खुद के इतना बड़ा सजा दे देवे कि वो हमेशा ला हर तकलीफ से आजाद हो जावे। ये चाहत बड़ू ना तू? ना 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 ना, हम ऐसे ना चाहत पानी, हम उनके खुश देखे चाहत पानी, हम उनकी सच बता के उनके हर हर दुख के दूर करे चाहत पानी, उनके एक नया जिंदगी देवे चाहत पानी। प्रज्ञा तू ओकर जान लेके ओकर नया जिंदगी देवे की बात करल बाड़ी? हम मानत बानी कि वो एगो झूठ के शिकार बानी, लेकिन ओकर दुख तो सच्चा बाना। ओके एक दुख से निकाले खातिर सैकड़न दुख के ऐसन दलदल में मत धकेला कि वो सांस भी ना ले सके। केहू के भी सच बताए बहुत जरूरी है, लेकिन सच बतावे की कीमत इतना भी बड़ा ना होके के चाहिए। सच बतावे के जिद ओके बर्दाश्त करके हद से बड़ा ना होके के चाहिए। और ये सब जान के भी अगर तू अभी के साथ रहे चाहत बाड़ू तो हमरा के डर बा कि ओके पावे की जगह कहीं तू ओके हमेशा ला खो ना दी। ऐसा ना होके, हम ऐसा ना होके दे, हम ऐसा ना होके दे, हम ऐसा ना होके दे, सुन लो तू ऐसा ना होके दे, हम ऐसा ना होके दे।